हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 रेसेस एंड हमारे सामने यहां पर बहुत सारे लोग खड़े। अरे हट जाओ सामने से, ओ भाई मरे ये लोग। अरे भाई साहब तुम लोगों ने भी मार दिया क्या? फर्स्ट भाई मैंने तो मार दिया, चमचर ने भी 3-4 उड़ा दिया भाई। ओ माय गॉड गाइस, हम लोगों ने यहां पर यार कत्लेआम मचा दिया। कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो, अभी रेस पे ध्यान देते हैं। यहां पर हम लोग लॉस सैंटोस की गलियों में दोबारा से अपनी गाड़ी की स्पीड यहां पर बहुत ही ज्यादा जोर शोरों से तेज करते हुए जा रहे हैं गाइस। और यहाँ पर ड्रिफ्ट मारने का मजा ही कुछ और है, मतलब कि क्या ही बोलू यार। एक तो शहर में मजा आ जाता है रेस करने में, और तो और ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है गाइस, तो यहाँ पर जो रोड है आपको काफी ज्यादा चौड़े देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से कार की जो कंट्रोलिंग है वो भी यार यहाँ पर डेफिनेटली इनहांस हो जाती है। और ये देखो नाम लिया पार्कोर शुरू भाई। चलो जल्दी से यहाँ पर घुसते हैं भाई अपने स्टंटिंग एरिया में, एंड हमें यहाँ पर राइट टर्न मारना है। आप लोग देख सकते हो हमारे सामने बहुत ही बड़ा ग्रीन रैंप है, और इसमें बूस्ट मारते हुए अपन लोग मारेंगे जंप, एंड क्या हमारी गाड़ी पहुंच पाएगी, लेट्स सी। अरे बुके बल लैंड कर गया मैं। अरे नहीं गिरना नहीं। ओ भाई क्या सेव किया मैंने। फर्स्ट भाई मैं भी पीछे आ गया भाई। ओ शिट भाई शमशेर भी पीछे आ गया। ऑलराइट लेट्स गो। यहां पर हमें रॉकेट कार मिल चुकी है दोस्तों, और रॉकेट कार से ठोक दिया है दोस्तों। वाह दोस्तों क्या कर दिया मैंने दोस्तों। फर्स्ट भाई इतना दोस्तों मत बोलो भाई, नहीं तो दोस्त जो है आपके वो भी दोस्ती तोड़ देंगे। अरे अरे भाई बस। ओके लेट्स गो, नीचे से निकालेंगे, एक और बार निकालेंगे, एंड यहां पर स्पाइक के बीच से ऊपर से कहां से जाना है? अरे बता तो दिया होता आई गेस गाइस हम लोग। ओ चेक पॉइंट मिल जाएगी क्या? चेक पॉइंट कम ऑन मिल जा। अरे नहीं मिला यार, अगर मेरे पास बूस्टर रहता तो मिल जाता गाइस। एक बार और ट्राई करते हैं। ऑलराइट सो गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को यहां पर काफी तेजी से ले जाने वाले हैं, लेट्स गो। शायद ना मेरे को एक चीज वहां पर मिस कर दी यार मैंने, अगर हम लोग यहां पर स्पाइक्स के बीच से निकालते। ओके मेरे को रास्ता मिल गया दोस्तों, अब उतना समय नहीं लगेगा। चेक पॉइंट अरे चेक पॉइंट ने मुंह घुमा दिया क्या यार, इतना ज्यादा नखरे क्यों करता है ये चेक पॉइंट। फर्स्ट भाई मेरे से पूछो भाई, मेरा दर्द कौन सब जगह, मैं तो चेक पॉइंट पहला भी नहीं ले पा रहा हूँ। वो अच्छा ये वाला क्या? अबे हाँ चेक पॉइंट काम नहीं कर रहा है गाइस, आई गेस वॉल राइड में नहीं काम करता है। अबे क्यों भाई क्यों? अरे इस बार तो मैंने जान भी लिया था, और अपन लोग एकदम बीच से निकल रहे थे गाइस। इस बार कोई गलती नहीं होगी देख लेना, मैं वादा कर रहा हूँ। अपन लोग यार इस बार निकालेंगे बहुत बढ़िया, एक और बार बहुत बढ़िया, और यस भाई निकल जा। ओ निकल गया गाइस, जल्दी लाइक मारो इसी बात पे, बड़ा मेहनत लग गया यार, लेकिन फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है। अरे 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 भाई ये क्या था भाई, किसी ने बताया ही नहीं यार, अचानक से सामने आ गया वो। व्हाट भाई मैं तो उल्टा वापस आ गया भाई। अबे उल्टा कैसे वापस आ गया? व्हाट भाई कुछ भी कर रहे हैं यार ये लोग, मजा नहीं करना है भाई, थोड़ा सीरियसली लो इस रेस को, नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अबे सामने से हट। अबे चोमू इंसान, तेरे चक्कर में गाड़ी ठुक गई मेरी। व्हाट भाई आपके चक्कर में बूस्ट ने काम किया यार मेरा। अबे अच्छा मेरे को ब्लेम करेगा तू? वाह भाई वाह, इस बार तो यार इस विंडमिल ने ही जाम कर दिया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट गाइस ये अटेम्प्ट हमारा बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, तो एकदम क्रेजी अटेम्प्ट के साथ यहां पे क्रेजीगिरी करते हैं, लेट्स गो। बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ हम लोग फिर से निकल चुके हैं उन कांटों के बीच से, अब हमारे सामने यहां पर स्लो हो जाना है एकदम आराम से। ओ यस भाई क्या निकला हूं मैं। ओके सामने में यहां पे विंडमिल है, बहुत बढ़िया, विंडमिल भी डॉज कर लिया। ओ भाई यहां पे ट्रांसफॉर्म दिया है अपन लोग को, ट्रांसफॉर्म हो चुके हम लोग फॉर्मूला 1 कार के अंदर। यहां पे पल्टी करना पड़ेगा, और ये पीछे से निकाल दो। ओ यस मैं करने वाला हूं। ओके वो सामने तो जंप है भाई। अरे यार मैंने गाड़ी पहले कुदा दी यार, हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो गई गाइस। डैम इट यार, काश अपन लोग इसको कंप्लीट कर लेते, इतना ज्यादा क्लोज थे यार हम लोग फिनिश लाइन टच, फिनिश बोल रहा हूं मैं वो टच करने के। सॉरी चॉप गलती से ठुक गया बातों में। फोटो भाई यार मेरे को ठोक दो भाई, मेरे को ठोक दो, कोई इज्जत तो है नहीं मेरी, हमेशा मेरे को ठोक के आगे निकल जाते हो। अबे इस बार होगा भाई, चलो निकलो। चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स लगे गाइस, इतनी ज्यादा दर्द वाली रेसेस में भी आपको अपना उम्मीद नहीं खोना है। चलो जल्दी चलो आगे भाई, अभी टाइम नहीं है हम लोग के पास रुकने के लिए। बहुत बढ़िया ये नगाड़ा बूस्ट एकदम नीचे से मौत को ऐसे टक से टच करके वापस आ गए हम लोग, और फिर से यहाँ पे फॉर्मूला 1 कार बन चुके हैं दोस्तों। क्या इस बार मैं एकदम सही समय पे गाड़ी जंप करवा पाऊंगा, ये देखते हैं। ओके हमारी गाड़ी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ठोक दिया, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया भाई, जहाँ पे ठोका है वहां से निकल भी नहीं पाए। चलो यार इस बार ट्राई करते हैं गाइस, क्या इस बार हम लोगों को सक्सेस मिलेगी। लेट्स गो, यहाँ पे से निकल चुके हैं, एंड इस वॉल राइड से होते हुए नीचे से निकलते हुए बूस्ट मारते हुए चेक पॉइंट को लेते हुए विंड मिल के पार जाते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म चेक पॉइंट की तरफ। और इस बार दोस्तों हो जाएगा, मेरे को लग रहा है हो जाएगा गाइस, मतलब हमेशा ही ऐसा लगता है, लेकिन होपफुली इस बार हो जाए। कम ऑन प्रो नाक मत कटवाना, इस बार एकदम बीच से निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया, हल्का सा टकराया लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, जंप आ चुका है गाइस हमारे सामने फुल स्पीड में। यहां पर लॉन्च कर दिया है हम लोगों ने गाड़ी, एक बैरल फ्लिप मारेंगे और लैंड करेंगे एकदम हीरो वाले स्टाइल में। ओ यस यस मैंने कर लिया भाई, जल्दी से दूसरा चेक पॉइंट ले लेता हूं ताकि मैं गिर ना जाऊं। एंड दोस्तों इसी के साथ हम लोग बन चुके हैं यहां पर गो कार्ट बन गया मैं, आई डोंट नो व्हाई, लगता है इस रेस का ये एक पार्ट है, लेकिन भाई फाइनली उस अनोइंग चीज को हम लोगों ने पार्ट
पार कर लिया दोस्तों। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही ज्यादा पसीना लगा, बहुत ही ज्यादा हाथ दुखा मेरा, और अपन लोग पेशेंस भी काफी ज्यादा रखे हुए थे, लेकिन 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया। सो आई एम नॉट गोना लाइक, काफी इजीली कंप्लीट हो गया है। बाकी रेसेस जो हम लोगों ने की है उसमें डेफिनेटली ज्यादा डिफिकल्ट चेक पॉइंट देखने को मिले हैं, और इतनी छोटी मोटी चीजों से हम लोग गिव अप नहीं करते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एक लंबे से ट्रैक पर, जिसके ऊपर हम लोग को अपनी छोटी सी गाड़ी चलानी है। देखते हैं क्या हमारी गाड़ी यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगी, लेकिन नहीं, नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करेंगे भाई। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो यार हमारी लाइफ में होते ही रहेगी, अपन लोग ऐसे थोड़ी हार मारने वाले हैं। जिस चेक पॉइंट ने मेरे को पिछले बार धोखा दिया, तो उस चेक पॉइंट को इस बार मैं माफ नहीं करूंगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने जंप करके अपनी चेक पॉइंट के लिए आगाज कर लिया है, लेकिन चेक पॉइंट अभी तक नहीं मिली है। ओके, फाइनली मिल गई। यार मेरी सांस अटक जाती है भाई, अगर मेरे को चेक पॉइंट नहीं मिलती है तो आई मीन कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। चौप उधर से अपना नल्ला वाला रॉकेट फायर कर सकता है, शमशेर ऑटोमेटिकली अपना स्नाइपर राइफल निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। तो इसीलिए चेक पॉइंट ले लो, उसके बाद जितना मस्ती मजाक करना है कर लो। और क्या लैंडिंग थी बाय द वे, आप लोगों ने नोटिस किया हम लोग ऑलमोस्ट अपने सर पर लैंड कर चुके थे। क्या इस बार मैं टपली मार के मुंह के बल गिरूंगा? नहीं, मेरा किस्मत बहुत ही अच्छा है यार। अबे सही में यार, सर के बदौलत कौन ड्राइव करता है भाई। यहाँ पर हम लोग यार अपने सर के बदौलत ड्रिफ्ट मार रहे थे। वेल हटाओ भाई, चेक पॉइंट काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा गाइज। अगर हर किसी भी गड़बड़ी हुई तो हम लोग अपने मौत की तरफ गिरेंगे। हजारों फीट ऊंचाई में यहाँ पर हम लोग रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यार डर जो है डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारे हाथों से पसीना भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आई गेस हम लोग अपनी स्टीयरिंग व्हील पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो हम लोग कोई भी चीज पार कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा प्रोनेस के साथ यहाँ पर हम लोगों ने अपने रेडार वाले चेक पॉइंट को भी अचीव कर लिया है गाइज। सामने में मेरे को एक बहुत ही ज्यादा घातक और भीषण वॉल राइड देखने को मिल रही है, लेकिन पता नहीं आई गेस जो गाड़ी हम लोगों को मिलने वाली है वो गाड़ी हम लोगों के लिए काम आसान कर दे। यहाँ पर एक ब्रेकर दिया इन लोगों ने, जो कि आई डोंट नो यार नेसेसरी था कि नहीं। वो फॉर्मूला 1 कार आ भी गई भाई। यहाँ पर स्पीड इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है मेरी, मे बी क्योंकि ये वॉल राइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग इसको फेल करें। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पहला चेक पॉइंट ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है गाइस कि यहाँ पर अभी हम लोगों का गेम समाप्त होने वाला है, अभी और चेक पॉइंट लेने पड़ेंगे। और हम लोगों ने जैसा उम्मीद था फर्स्ट ट्राई में गड़बड़ी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई सबका खराब जाता है, क्यों ना सेकंड ट्राई में अपनी किस्मत आजमाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लैंडिंग करते हुए दोबारा हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ। इस बार मैं फर्स्ट पर्सन में जाऊंगा और देखते हैं कि क्या गाड़ी हमारी इस बार भी स्पिन आउट करती है या फिर कोई दिक्कत करते हैं। भाई इस बार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंट्रोलिंग देखने को मिल रही है, ऊपर से एक फॉर्मूला 1 रेसर वाली फीलिंग अलग से आ रही है यार, जो कि एकदम अनइमेजिनेबल है गाइस। बहुत ही तेजी से हम लोग जा रहे हैं, सामने में एकदम सीधा मोड़ देखने को मिलता है, पता नहीं ये कहां लेकर के जाएगा। ओह माय गॉड, कैन आई मेक इट? ऑफ कोर्स आई कैन ब्रो। भाई सीधा टनल के अंदर यहां पर जा रहे, सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया, यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कहां नहीं जा सकता है दोस्तों जब तक हम लोग आगे नहीं चले। और यहां पे फुल स्पीड के साथ बूस्ट मारा है, और क्या ये चेक पॉइंट हम लोगों को मिल पाएगी? नहीं मिली है, और आई होप कि मेरे को टनल के अंदर जगह मिले। ओह नो भाई, इतना पीछे फेंक दिया, अभी ये क्या स्कैम है भाई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, फर्स्ट पर्सन है तो शायद हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है गाइस। फर्स्ट टाइम तो हम लोगों ने कर लिया था फर्स्ट पर्सन में, लेट्स गो। कम ऑन मेरे अंदर की ड्राइवर, आज मौका है अपना यार, फॉर्मूला 1 कप जीत के दिखा दो ऑडियंस को, हम लोग भी प्रूफ कर देंगे भाई कि अपन लोग नूब नहीं है। और नूब निकल गए, वाह वाह भाई, मतलब नाक कटवा दी इसने। ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने इस वाले अटेम्प्ट में सारे डिफिकल्ट पार्ट पास कर लिए, अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ टनल बचा है, जिसको मैं इस बार कभी भी गलती से भी नहीं मिस करने वाला हूं। लेट्स गो। हम लोगों को एक चीज पता चल चुकी है, ब्रेक नहीं मारना है, फुल स्पीड के साथ जाना है, गाड़ी को जो है थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है ताकि यहाँ पर ग्लाइड मिले और पूरा चेक पॉइंट हमारा। एंड दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आगे वाले रैंप की तरफ, और ये रैंप कहाँ पर लेके जाएगी देखने में आएगा काफी ज्यादा मजा। और ये हम लोग कर रहे हैं एकदम स्मूथ लैंडिंग, और आई डोंट थिंक इससे ज्यादा स्मूथ लैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। और मेरे को यहाँ पर इन लोगों ने इंसान में कन्वर्ट कर दिया। राइट की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है वो भीषण कोर्स जहाँ पर चॉप अभी भी रेसिंग कर रहा है। अरे अरे गलती हो गया, शिट मैन। भाई आप ऊपर से गिर रहे हो भाई। अबे भाई साहब तुम लोग क्या हो भाई, किसी ने लगता है गाड़ी उछाली है ना अपनी। रोट भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ आपको? अबे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है दूर से। रोट भाई मैं एक सिग्नल भेजू क्या आपको? अबे सिग्नल छोड़ भाई, बहुत ही बड़ा कोर्स है भाई, एक काम करो गाइस सिग्नल। ओ शिट मैन, सही में सिग्नल। अबे किसकी गाड़ी है वो भाई, तू था क्या? रोट भाई मैंने बोला ना सिग्नल भेजूंगा आपको, आप सुनते ही नहीं हो मेरे ऊपर। ओ माय गॉड भाई पागल, इतना ऊपर क्यों उछाल दिया तूने? ओ भाई यहाँ से मेरे को दिखाई दिया गाइस, कोई तो था उन दोनों में से जिसने वो गाड़ी उछाली। फर्स्ट भाई कोई तो था क्या भाई, मैं बोल तो रहा हूँ मैं हूँ। ओ अच्छा सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, वो क्या मैंने ध्यान नहीं दिया, यकीन नहीं हो रहा यार इतना दूर से दिखाई दे दिया मेरे को चॉप। चलो बहुत ही बढ़िया है यार, आई थिंक चॉप के अंदर भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की जो बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिल रही है गाइस, वो एकदम कॉन्स्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, ताकि हम लोग हमारा चॉप भी जो है एक दिन नंबर 1 प्लेस ले आएगा। आई डोंट नो कि कब आएगा वो दिन, लेकिन जल्दी ही आएगा। ओके तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया हम लोगों के साथ, हम लोगों को गाड़ी से उतार करके पैदल भगाने का डिसीजन लिया है गाइस। एंड आई डोंट थिंक ये बहुत ही ज्यादा बुरा डिसीजन, आई मीन आई डोंट पर्सनली हेट पैदल वाला पार्कोर, लेकिन देखो ये नौटंकी होती है भाई, एक जंप के हमारा सुपरमैन बन गया भाई ये, मतलब एंटी ग्रेविटी मोशन यहाँ पे पैदा कर दिया इन्होंने, नासा वाले
सारे हमारा नंबर डिमांड कर देंगे अगर ऐसा करते रहे नॉनस्टॉप तो। चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। देखो भाई, एक दो बार तो नूब लोग भी गलती करते हैं, अपन लोग तो फिर भी प्रो है। छोटू भाई अपना काफी ज्यादा लगता है, आप यहाँ पर यार पढ़ाई कर रहे हो, लगता है मेरे को आके आपको गोली मारना पड़ेगा खोपड़ी में। अरे ऐसा मत करो यार, बहुत मुश्किल से मैं आगे बढ़ाऊ। सो गाइस एक और बात बता दूजिए, जो पैराशूट वाले पार्कोर होते हैं इसमें आपको हड़बड़ी में जंप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जंप कर दोगे तो आपका बंदा अजीब तरीके से सुपरमैन बनने की कोशिश करेगा और आप मर जाओगे, तो इससे पहले आप जंप करो। अरे देख लेना था, देखो मैंने कर दिया ना गलती, बोला था भाई देख के जंप करना है। चलो बहुत ही बढ़िया यार कि हम लोगों को दोबारा यहीं पर चेक पॉइंट मिल गए, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि हम लोगों को चेक पॉइंट यहाँ मिली थी। ओके तो अब हम लोगों को यहाँ पे पहले रुकना है और आराम से जंप मारना है। देखो कितना इजी है, यहाँ रुकना है आराम से जंप, उसके बाद रुकना है आराम से जंप, उसके बाद रुकना है आराम। अच्छा यहाँ तो रुकने का जरूरत ही नहीं था। चलो गाइस चलते हैं आगे। ओके ये है हमारा म्युनिसिपैलिटी का कचरे का कूड़ादान, जो कि वो लोग साफ नहीं करते कभी भी। छोटू भाई अपन लोग कचरा ही इतना फैलाते हैं कि वो डेली साफ करके जाते हैं, हम लोग फिर से भर देते हैं भाई। अबे मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम लोग क्या करते रहते हो भाई? छोटू भाई लगता है शमशेर बहुत ज्यादा पिज्जा ऑर्डर करता है भाई, उसी का कचरा है जिंदगी भर का। ओ भाई और पैसा किसका खर्चा हो रहा है? छोटू भाई मैं तो कमाता नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आप ही का खर्चा हो रहा होगा ना भाई। अबे पागल है क्या, मेरा सारा पैसा खर्चा कर देगा यार, प्लीज ऐसे मत करे। अच्छा कौन सा पिज्जा मंगवाता है बाय द वे, बता तो दे ताकि मैं भी एक दो ऑर्डर कर लूं अपने लिए। छोटू भाई बहुत चिंदी आदमी हो, अभी तो आप पिज्जा खाने नहीं दे रहे, तो आप अपने लिए भी मांग रहे हो। अरे अरे क्या बात कर रहा है भाई, जितना खाना है खाना, बस आधा मेरे को दे दियो प्लीज भाई, बहुत पैसे उड़ा रहे हो तुम लोग। ऑलराइट गाइस लेट्स गो टू द नेक्स्ट चेक पॉइंट। और ये बहुत ही ज्यादा एलियन वाले स्ट्रक्चर इन लोगों ने लगा के रखे, आई एम नॉट श्योर कि किसने बैठाया है, बट जिसने बैठाया तुम्हारा टेस्ट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अजीब है यार। और ये देखो ये क्या है भाई, मतलब यहाँ पर इन लोगों ने सोडा बॉटल को एक पेपर के उससे ट्रे से जोड़ दिया है और उसके बाद लाइन से लगा दिया है। मतलब यार पार्कोर के लिए ये लोग ऑब्स्टिकल्स भी बहुत ही ज्यादा यूनिक खोज करके लाते हैं, मेरे को यकीन नहीं होता यार कि इन लोग के पास इतना ज्यादा हाई आईक्यू दिमाग है, तो इतनी ज्यादा फालतू की चीजों में क्यों लगाते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर लिया करो, देश की भलाई हो जाएगी यार। फर्स्ट भाई आपके पास भी तो बहुत दिमाग है, आप तो भलाई नहीं कर रहे हो भाई। अबे क्या बात कर रहा है, जीटीए में यार इतने सारे रेसेस कंप्लीट किए हम लोगों ने, ऑडियंस को इतना ज्यादा मजा दिलाया भाई, भलाई तो एक तरह से। ऑलराइट गाइस हम लोग यहां पर बहुत ही जल्द गाड़ी में कन्वर्ट होने वाले हैं और नाम लेते के साथ हो भी गए यार, डेफिनेटली मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा तेजी से हुए। और यहाँ पर एक रैंप देखने को मिलता है, क्या ये रैंप हमें हमारी जीत की तरफ ले जाएगा? आज ही घंटा मौत की तरफ ले जाएगा, हाँ वो पक्का है। ऑलराइट गाइस लेट्स ट्राई अगेन, क्या इस बार हम लोग पहुंच पाएंगे अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट तक? व्हाट द हेल, लैंड कर गया भाई, लैंड कर गया, मैं यकीन नहीं हो रहा मेरे को, भले सिर के बल लैंड किया हूं लेकिन लैंड तो कर गया। ओके लेट्स गो जंप इट अगेन, बहुत बढ़िया एक और चेक पॉइंट। रॉकेट कार बूस्टर ऑन, फिर से बूस्टर ऑन, और यहाँ पर तो एक फाइनल बूस्टर तो लेंगे रे बिड़ू। ओ भाई कहाँ है चेक पॉइंट, अबे इतना ऊपर किसने दे दिया भाई साहब, ये पर्पल रैंप के ऊपर कैसे जाऊंगा मैं गाइस, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है लगता है। ऑलराइट गाइस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हिम्मत नहीं हारना, साथ नहीं हारना, और यहाँ पर आराम से एंड बूस्ट भाई, निकलो 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 निकलो, यस यस मिल गया भाई। अरे अरे इससे ना मुंह फेरो साथिया, तुम क्या कर रहे हो रोड पे आ गया भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ भाई साहब, ऊपर से निकल गया मैं। चलो गाइस कोई बात नहीं, अब जा सकते हैं फिनिश लाइन में। ऑलराइट गाइस सो इट सीम्स लाइक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।